check for one machine. So guys, सर थोड़ा लाइट जिससे सर या चेक फॉर वन में शेयर भी लाइट दिख रहा हाँ सर नाउ अभी थोड़ा चांगला वाटत सर हाँ 1 मिनट कॉलम साइज क्या थी व्हाट इज कॉलम साइज गाइस 400 by 400 ओके 0.4 by 0.4 0.4 meter by 0.4 meter यानी 400 by 400 0.4 meter by 0.4 meter and your width it is width कितनी थी 2.5 निकला था ना 2.5 is provided ना yes sir now चेक फॉर वन वे शेयर करते वक्त आपको क्या करना पड़ता कि आपको फेसिंग जो लेना पड़ता तो वो डीडी लेना पड़ता डेप्थ डेप्थ की फेसिंग आपको लेना पड़ता हियर वी रोट 0.4 and 0.4 तो ये आपका सेक्शन वन वे शेयर के लिए अब वन वे शेयर के लिए डीडी सेक्शन सो ये पार्ट आपको देखना है अब मैंने इधर का पार्ट ही क्यों सिलेक्ट किया है क्योंकि यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस मैं ले रहा हूं What is my maximum stress? What is stress max? 208. And mean. What is not a KPA? MPA, that is KPA. Kilo Newton per meter square. So, ये 112 आपका पूरा constant रहेगा. ये भी हमने निकाला था कि भाई ये 112 है, suppose 112. So, ये कितना रहेगा, guys? How much this? 96 kilonewton meter square so this is y अब ये y कहां पे होना मुझे
ये डिस्टेंस के लिए, अब गाइस ये डिस्टेंस के लिए तो आपका ट्रायंगल नहीं है, आपका ट्रायंगल कौन से डिस्टेंस के लिए है? देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2.5, और मुझे कितने डिस्टेंस के लिए होना, मुझे डिस्टेंस के लिए होना दिस 2.5 डिवाइड बाय 2, यानी ये अभी 8x मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये एक्स एक्स क्या आएगा आपका, व्हाट इज एक्स, दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइड बाय 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 2 प्लस डी डिवाइड बाय 2, व्हाट इज डेप्थ, क्या डेप्थ ली है आपने, एक्स इज इक्वल टू रहेगा क्या, नहीं माइनस, माइनस इज इक्वल टू रहेगा, यानी ये आपका माइनस होगा डी बाय 2 नहीं, दैट इज डी, क्योंकि 2.5 डिवाइड बाय 2 यहां से सेंटर सेंटर आएगा, ओके उसमें से मैं 0.4 बाय 2 यानी 0.2 माइनस कर दूंगा और उसमें से मैं डी माइनस कर दूंगा, तो ये आपको एक्स मिल जाएगा, हाउ गाइस हाउ मच, 2.5 डिवाइड बाय 2 इट इज 1.25 माइनस 0.2 एंड प्लस डी, क्या डी प्रोवाइड किया आपने, 0.44 यस 0.44 ओके 0.44 How much x? .61 0.61 मीटर 2.5 में से माइनस कर दो तो ये कितना मिलता, ये 0.61 है, दैट इज 2.5 माइनस 0.61 और ये आपका 2.5, ओके सो गाइस ये आपका 112 तो कांस्टेंट रहेगा, आपको ये वाई निकालना है, आपका ये टोटल यहां पे का, यहां पे जो भी पी एट एट दिस एक्स 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 वन पी एट एक्स वन इज इक्वल टू 112 प्लस 112 प्लस 96 बाय 2.5 into that 2.5 minus 0.61. अब आप बोलोगे ये कैसे क्या डायरेक्ट लिखा, तो ये डायरेक्ट इस तरह लिखा मैंने, ये डायरेक्ट मैंने इस तरह लिखा कि that 112, तो ये अगर y के लिए मैं निकाल रहा हूं तो y it is 96 कितने किसके लिए है, सपोज ये मैंने लास्ट इसमें लिख के दिया था, अपन ने बेंडिंग मोमेंट निकाला था उसके लिए, सो 96 के लिए 2.5 है, सो y के लिए 2.5 माइनस 0.61, तो ये y इज इक्वल टू इधर हो जाएगा, तो ये क्या है y एड है 112 प्लस y इट इज इक्वल टू दिस, ओके सो व्हाट इज गाइस p X1 what is P X1 guys, what is P X1 152.32 kilo Newton per meter square, we want shear force at a face of distance d, आप बोलोगे सर ये कैसे क्या आप ले रहे डायरेक्टली, आपने क्रिटिकल सेक्शन वगैरह कुछ नहीं बताया, आप लिख सकते गाइस क्रिटिकल सेक्शन, आप लिख सकते द क्रिटिकल सेक्शन इट एज, यहां पे आप लिख दो आंसर सर 184.576 आ रहा, 186 आ रहा क्या, 184 आ रहा, ओके ये ना, हां सर यस यस 184.58 ओके 184.58 ओके, अब यहां पे लिख सकते हैं टेक अ क्रिटिकल सेक्शन इज एट ए डिस्टेंस डी,
फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, ये जो एक्स लिया है, टेक क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, डी इट इज इक्वल टू 440 mm. तो वो आपने एक्स एक्स और क्या लिया है, क्रिटिकल सेक्शन, इट इज क्रिटिकल सेक्शन एक्स एक्स, सेक्शन एक्स वन एक्स वन, एक्स वन एक्स वन सेक्शन, क्रिटिकल एक्स वन सेक्शन. ओके, कहां से लिया है, तो फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम से लिया, फेस ऑफ कॉलम से लिया. और ये जो है ये आपका, आपने इसेंट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं लिया यहाँ पे, नहीं तो आप बोलोगे इसेंट्रिसिटी पे शिफ्ट किया वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है, आपने सीधा सीधा सेंटर पे किया है, दैट इज 2.5 डिवाइड बाय 2, 2.5 डिवाइड बाय 2, ये भी आपका क्या है 2.5 डिवाइड बाय 2, ओके. Now we want shear force at that section, at that section. So shear force होना, ये इसके लिए shear force होना. Shear force कैसे रहेगा? This area into that pressure, pressure. तो pressure का area क्या में निकलेगा? Pressure का एक average निकलेगा a plus b divided by 2 into that distance. It is in kilonewton per meter. Into आप ये कर दोगे, तो kilonewton में निकल जाएगा. यानी One minute, guys. Okay. आप उस x को लेंथ ऑफ शेयर भी बोल सकते हो, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस. नॉमिनल शेयर स्ट्रेस फॉर वन वे शेयर. VU, that is PU, P max U, stress max U, वो है. So P नहीं, मैंने Q लिखा था ना, Q U ना, I think so. Awesome. Yes, okay. That is Q U, Q U. Okay, तो यहाँ पे भी Q X X लिख लेना आप, change here, Q and Q, Q U. So VU is equals to area of that trapezoidal, area of that trapezoidal is equals to A, yani QU1 plus QU max divided by 2 into X. Okay, तो ये kilonewton per meter into क्या हो जाएगा आपका, ये क्या में आपका kilonewton per meter square में, तो kilonewton per meter square average हो जाएगा into n meter. तो बचा क्या, मीटर बचा फिर से, आपको वीयू का में चाहिए, किलो न्यूटन में चाहिए. सो इनटू फिर से आप क्या कर दो, बी इनटू बी, दैट बी, दैट बी वी वांट इनटू. ओके, सो क्या हो जाएगा अभी, क्यूयू इज इक्वल 184.58. व्हाट इज 184? ये 184, ये यहां से यहां तक क्या है आपका 184, 184.58 plus Qmax 208 divided by 2 into X 0.61 into B 2.5. How much BU? How much BU, guys? Two ninety nine point three four. Two ninety nine point
300 किलो न्यूटन आपको अभी लग रहा है. सो ओके गाइस, नाउ टाउ वी, टाउ वी इट इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस. टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ वी इज इक्वल टू वी यू बाय बीडी. अब आप बोलेंगे वी यू बाय बीडी, विच बी, दिस बी इज टकन, दिस बी इज टकन, दिस वन बी. ओके, अब जहां से सेक्शन ले रहे, जो आपका सेक्शन रहेगा वो आपको भी लेना पड़े. ओके, और विड्थ ही लेना पड़े. आप यहाँ पे लेंथ लोगे क्या? नहीं, लेंथ लोगे तो आपका टाउ भी छोटा निकलेगा, आपको विड्थ ही लेना पड़ेगा. टेक हियर इज विड्थ. अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो मैं विड्थ ही लूंगा. ओके, सो 299.34 इंटू 10^3, दैट इज इन न्यूटन, डिवाइड बाय 2500 इंटू 440. हाउ मच? इट्स ऑलवेज लेस देन टाउ सी मैक्स. टाउ सी मैक्स से कम होना नहीं रहा, रिडिजाइन. 0.27. हाँ, 0.27. 0.27, अरे बहुत कम है. न्यूटन पर मैम स्क्वायर, इट इज लेस देन टाउ सी मैक्स. M20, M25 कॉन्क्रीट कौन सा है ग्रेड? M20 or M25? M20. 2.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फ्रॉम टेबल नंबर 20, पेज नंबर 90. ओके, द नेक्स्ट. अब आप बोलोगे ये टाउ सी निकाल लिया, टाउ वी निकाल लिया, अब टाउ सी निकालना पड़ेगा. टाउ सी निकालने के लिए तो आपके पास एएसटी नहीं है. सो गाइस, हम यहां से एएसटी रिक्वायर्ड ही निकालेंगे. अब आप बोलोगे ये प्रैक्टिकल में होता, प्रैक्टिकल में इसी तरह होता. चेक फॉर वन वे शियर में हम क्या करने वाले हैं? हम एएसटी रिक्वायर्ड निकालने वाले हैं. एएसटी रिक्वायर्ड फॉर शियर एंड एएसटी रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग. ऐसी दो एएसटी रिक्वायर्ड अपने पास रहेगी. ओके, सी यू नाउ. नॉमिनल शियर यानी एएसटी रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टील. तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, क्या बोलोगे सर? तो ये तो 0.28 है. 0.28 इज नथिंग बट लेस देन क्या है? इट इज लेस देन अवर लेस देन व्हाट? 0.28 मिनिमम. 0.28 है ना मिनिमम 0.15 परसेंटेज के लिए. देखो शियर स्ट्रेस सर, थोड़ा खाली भी. ओके ओके, वन मिनट. शियर स्ट्रेस taken by concrete, tau c. तो सबसे पहले उधर क्या चाहिए? PT चाहिए आप. So PT में क्या चाहिए? AST required divided by BD. So we want AST required. अभी देखो, अभी आपका tau b कितना है? 0.27 है. It is nothing but 0.28. तो 0.28 के लिए पीटी रिक्वायर्ड कितना है? पेज नंबर 29 में से आप निकाल लो, सॉरी पेज नंबर 73 में से आप, टेबल नंबर 19 से आप निकाल लो. इट इज पीटी इज इक्वल टू 0.15 परसेंटाइल. यानी जब आपका पीटी 0.15 परसेंटाइल रहेगा तब आपका क्या रहेगा? तब आपका tau c 0.28 रहेगा. यानी tau c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू टाउ वी, ये रहने को ना, ये कंडीशन है यहाँ पे, हेंस सेफ, हेंस सेफ, यानी गाइस कि आपको एएसटी रिक्वायर्ड कितना लगने वाला है, वी आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, दैट इज बी, इट इज नथिंग बट बिग स्मॉल, ओके स्मॉल बी. सो पीटी इज इक्वल टू, यानी अभी आपको पीटी इज इक्वल टू कितना लेना है, फिर अगर वो कैसे लेंगे वो मैं आपको आईएस कोड से अभी बता देता कि आईएस कोड से आप किस तरह लेने वाले. अभी क्लियर है क्या? हाँ सर. एक्चुअली 360p ही था. Okay guys, see here Jamboard. Okay. So देखो ये 0. क्या आपको दिख रहा है या बहुत छोटा दिख रहा है? दिख रहा है ना टोटल? हाँ सर दिख रहा है. छोटा दिख रहा है सर. छोटा दिख रहा है. Now, now it's okay. हाँ सर. हाँ सर. Okay. So देखो अभी ये आपका अगर यानी 100% AS by BD, it is your PT. ये क्या है आपका PT है. Okay, PT is equals. तो PT is equals to 100 AS by BD. तो अभी आपको चाहिए क्या? अभी आपको यहां से अगर देखेंगे अपन तो 0.12% यानी 0.15% के लिए आपका टाउसी कितना है? आपका टाउसी है 0.28. तो मैंने वही लिखा अभी बोर्ड पे 0.15% PT के लिए लेस देन और इक्वल टू टाउसी इज इक्वल टू 0.28 और अपना टाउवी कितना आया गाइस? वन मिनट. व्हाट इज योर टाउवी? 0.27. यस एग्जैक्टली. टाउवी आपका आया है 0.27 यानी इससे कम है, इससे कम है. ओके 0.27 तो 0.27 है तो किससे कम है? 0.28 से कम है. तो 0.28 मैं प्रोवाइड कर दूंगा ना, यानी पीटी प्रोवाइडेड मेरा एएसटी के लिए कितना रहेगा, यानी काय के लिए अपने इसके लिए 0.15% ऑफ बीडी रहेगा. 0.15% ऑफ बीडी एएसटी मिनिमम से ज्यादा. एएसटी मिनिमम कितना प्रोवाइड करते हैं अपन? 0.12% ऑफ बीडी करते हैं. यहां पे अभी कितना रहेगा? 0.15% ऑफ बीडी. इफ गाइस, इफ अभी समझ लो, इफ का मतलब क्या? अगर आपका ये टाउवी
इसके जगह यानी 0.28 की जगह 0.27 की जगह अगर आपका 0.7 आता है तो आप क्या करोगे? 0.7 इट इज इन बिटवीन व्हाट? 0.7 इट इज इन बिटवीन दिस टू. यानी इसके और इसके बीच में है. तो आप क्या कर दोगे? मैं सीधा सीधा 1.5% पीटी प्रोवाइड कर दूंगा. दैट 1.5% पीटी मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, ये प्रोवाइड मैं कर दूंगा, ये वाला डायरेक्टली. या फिर आप मीन भी निकाल सकते हैं, मीन निकाल के भी कर सकते हैं. यानी आप मीन निकाल के या फिर आप क्या इंटरपोलेशन करके भी आप कर सकते हैं. 0.7 के लिए इंटरपोलेशन करके आप जो भी पीटी निकलता वो पीटी आप प्रोवाइड कर दूंगे. यानी पीटी प्रोवाइड हो जाएगा तो वहां से आपका एएसटी रिक्वायर्ड फॉर आपका इसके लिए मिल जाएगा. काहे के लिए? वन वे शियर के लिए. एंड जनरली जब भी हम डिजाइन करते हैं, कौन से डिजाइन करते हम ये डिजाइन करते एक्चुअल बिल्डिंग के लिए डिजाइन करते, तब मेरा लाय करता इन तीनों में लाय करता था. अभी मैं थोड़ी देर में तुमको ये खत्म हो जाने के बाद मैं तुमको एक्चुअल डिजाइन भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल डिजाइनिंग मेरा किस तरह है और किस तरह मैंने किया है. यानी बाकी के डिजाइन मैंने किस तरह किए, क्योंकि मेरी एक्सेल शीट कैसी. ओके गाइस, सो आओ अपन देखते हैं डायरेक्टली यहाँ पर बोर्ड पे देखते. समझ गया ना आपको क्या क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ पे आपको चेक किया ना, यहाँ पे आपको पीटी परसेंट कितना लग रहा है ये आपको डिसाइड करना है. आप पहले से ही पीटी परसेंट अज्यूम करके जाओगे तो डिजाइन कैसे करोगे गाइस? इस तरह डिजाइनिंग नहीं होगा. ओके, डिजाइनिंग किस तरह करना पड़ेगा कि आप डेप्थ कैसे निकालोगे? बेंडिंग क्राइटेरिया से डेप्थ निकल जाएंगे आपकी. एंड बेंडिंग क्राइटेरिया से डेप्थ निकल जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए यानी काय के लिए आपको जो भी पीटी परसेंट रहेगा, पीटी परसेंट के लिए पीटी परसेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे अपन टाउसी से, और अपन यहां से एएसटी रिक्वायर्ड निकालेंगे. तो एएसटी रिक्वायर्ड अभी यहां से अगर ये मेरा है, सो एएसटी रिक्वायर्ड फॉर वन वे शियर तो क्या रहेगा आपका? पीटी परसेंट इंटू बी डी इट इज इक्वल टू ए एस टी रिक्वायर्ड. सो ए एस टी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.15 डिवाइड बाय 100 इंटू बी 2500 इंटू डी 440. हाउ मच गाइस? 1650. 1650 mm square AST required. और ये मेथड कहां पे है? तो ये मेथड अगर आपको देखनी है तो गो फॉर सुब्रमण्यम. सुब्रमण्यम में ये मेथड देखिए. सुब्रमण्यम एंड कृष्णा राजू एंड श्याम करवे, दिस मेथड इज गिवन प्रैक्टिकल बेसिस. ओके, इल्यूस्ट्रेटेड में आपको दिखेगा श्याम करवे में, बाकी सुब्रमण्यम में यही मेथड देखिए. ओके, एंड अभी ये हो गया, ये मेरा एएसटी रिक्वायर्ड हो गया. काय के लिए? अभी प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पे नहीं, एएसटी रिक्वायर्ड मेरा अभी और काय के लिए निकालना है मुझे बेंडिंग के लिए भी निकालना है. सो मैं बेंडिंग के लिए भी एएसटी रिक्वायर्ड निकालूंगा और मैं इसके लिए भी एएसटी रिक्वायर्ड निकालूंगा. मेरा दोनों के लिए एएसटी रिक्वायर्ड निकले अभी. अब मैं चेक करूंगा, चेक फॉर टू वे शियर, पंचिंग शियर मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा वो टाउसी मैक्स से कम रहने पर. यानी टाउसी कौन सा? 0.28 अंडर रूट ऑफ एफसीके से कम रहने पर. सो चेक फॉर वन वे की जगह अभी क्या हो जाएगा? टू वे शियर. आपको फिर से रिड्रॉ करना पड़ेगा स्टेप नंबर सर. यहां पे सेफ हो गया. टाउसी इज ग्रेटर देन टाउवी, यानी यहां पे सेफ हो गया. आपको क्या करना है? पीटी प्रोवाइड करना है. यानी आप बोल रहे थे लास्ट टाइम के सर ने पीटी परसेंटेज में फेल हो गया करके रिवाइज किया. देर इज नो रिवाइज. रिवाइज है क्या यहाँ पे? फिर रिवाइज नहीं रहेगा. डायरेक्टली आपको इतने है तो इसके लिए आपको ये एएसटी रिक्वायर्ड है, आपको देखना पड़ेगा. और एएसटी रिक्वायर्ड फॉर शियर, एएसटी रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग ये आपको, और एएसटी मिनिमम ये आपको, तीनों में से जो भी मैक्सिमम एएसटी है वो अपन प्रोवाइड करेंगे.
ओके गाइस, नाउ चेक फॉर टू वे शेयर, इट इज इंपॉर्टेंट. चेक फॉर टू वे शेयर, इट इज इंपॉर्टेंट. सेम डायग्राम फिर से निकाल लो. अभी जो मेरा क्रिटिकल पोर्शन रहेगा, दैट क्रिटिकल पोर्शन इट इज फ्रॉम, क्रिटिकल पोर्शन इट इज फ्रॉम D by 2, that is x is different. X तो कोई लेना देना नहीं है. आप बोलोगे यहाँ पे तो आपको दो दो सेक्शन अलग अलग निकालना पड़ेगा गाइस. रीड्रॉ दिस. ओके, सो पॉइंट फोर. अब यहां से ये डी बाई टू, डी बाई टू and d by 2. ओके, तो ये क्रिटिकल सेक्शन है. तो यहां पे आपको एक q2 निकालना पड़ेगा एंड दिस q3. ये q2 और q3 आपको फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा. आप बोलेंगे इससे अच्छे है तो वही मेथड अच्छी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल के लिए अच्छी नहीं है. प्रैक्टिकल के लिए यही मेथड से हम जाएंगे. ओके, अगर आपको आपका स्टील बचाना है तो यही मेथड से जाएंगे. वापस स्टील ज्यादा लग, अभी आपको कंपैरिजन में पता चल जाएगा. ओके, टेक अ क्रिटिकल सेक्शन x1 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 x1. क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू, दैट इज 440/2. तो आपका क्रिटिकल सेक्शन क्या बन जाएगा? कैन आई इरेज दिस सॉल्व? इरेज कर सकता गाइस मैं? हाँ सर. ओके, समझ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना ये, एक्चुअल थिंग्स एंड एक्चुअल सब कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा ना आपकी गाइस? समझ रहा है सर? ओके, समझ रहा है सर. ओके ओके, सर 3D निकालना पड़ता है सर? गरज नहीं है, गरज नहीं है. पण चांगलं वाटतं ना 3D काढलं तर, एग्जाम मध्ये काढायची गरज नाही. पण मिनिट ज्यादा ऊपर चले. जरूरत नहीं है 3D निकालने की.
दैट पीयू फोर्स प्लस एम यू इज एक्टिंग, पीयू प्लस एम यू इज एक्टिंग, तो एमयू को हमने एमयू की वजह से क्या आ रहा, प्रेशर आ रहा। तो आप बोलोगे अभी प्रेशर्स आपने किस तरह देखा, सो प्रेशर डायग्राम, दैट्स क्यू वन, दैट्स क्यू टू, दैट्स क्यू टू। अब आप बोलोगे ये आपको स्क्वायर जैसी दिख रही है, बट इट इज नॉट स्क्वायर, इट्स वैरिड। इट्स वैरिड, ये दिखाना था करके मैंने 3D बनाया, और 3D बनाया तो अच्छा ही रहता, सभी डायग्राम सभी जगह तो अपन बना ही रहे। ओके, सो यहां से जो नीचे से ऊपर लगेगा दैट इज यू, अपवर्ड प्रेशर, यू इज इक्वल्स टू नेट प्रेशर इंटू एरिया, नेट प्रेशर इंटू एरिया, एंड दिस प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम एरिया, into area of critical section. Sir, the Q2, Q3 radar, na? Sorry, Q2, Q3. Haan Q2 hai, haan Q3, haan Q3. Area of critical section. Area of critical section. सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, Q2 और Q3 निकालना पड़ेगा। So, Q2 और Q3 निकालने के लिए अगेन सेम मेथड, नो चेंज। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बाद में ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, अगेन सेम थिंग, नो चेंज। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या और ये डिस्टेंस क्या। सो देखो गाइस, दैट इज ये क्या है आपका B/2 यानी 1.22, यहां से यहां तक आपका क्या है 1.25, 1.25 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.44 डिवाइड बाय 2, ये डिस्टेंस रहेगा, यानी 1.25 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.44 डिवाइड बाय 2, हाउ मच, और ये 1.25 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.44 डिवाइड बाय 2, how much, 0.88 first one, 0. niche sir, niche wala, okay, 0.88 and 1.2 plus 0.22 yani 0.44 1.67 69 aayega na, नहीं बराबर है 6-7, इट्स ओके, बट सर 83 है, 0.83 हां ठीक है, तो ये 88 है या 83 0.83, ओके 0.83, तो ये यहां से यहां तक आपका 0.83 है, ओके, सो अभी आपको क्या निकालना है, अगेन फिर से आपको Q1 एंड Q2 निकालना है, फॉर्मूला वही, कोई चेंजेस नहीं, 11 112 प्लस 112 प्लस, ओके, सो आप इधर भी रफ में कर सकते, इधर भी रफ में कर सकते, यहां भी कर सकते, एज यू विश, जहां पे आपको करना है वहां पे आप करो, मैं यहां पे कर दू, सो Q3 इट इज इक्वल्स 112 प्लस 112 plus 2 dot
8 डिवाइड बाय 2.5 इनटू 0.83 Q3 Q2 112 प्लस 208 डिवाइड बाय 2.5 इनटू 1.667 वही रहेगा, फॉर्मूला कोई चेंजेस नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा, बस आपको एक्स चेंज दे रहा, एक्सेल शीट में भी यही डालना है। ओके, सो हाउ टू फॉर्म एक्सेल, ये मैं स्टार्ट में सिखाता, जब भी मेरा स्टार्ट प्रो का बैच रहता उसमें मैं ये सिखाते कि हाउ टू क्रिएट एक्सेल शीट कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको आपको बनाना है और कैसे आपको उसको चेक करना है। तो ये मैं एक्सेल शीट कैसे तैयार करना है ये मैं स्टार्ट प्रो के बैच में बताता हूँ। ओके, 181.056 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 250 यस सर, 208 आया ना बाबा, 208 250 था, 250 है, हाँ बराबर है, बराबर है, सॉरी सॉरी, देर इज 96, देर इज 96 ये वैल्यू, मग 250 ये ना रस्ता, ये ट्रायंगल अपन डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इट इज 112 और ट्रायंगल में से अपन ये 96 ट्रायंगल है ना मेरा, यहां से ये जो है ये मेरा ट्रायंगल है, हाउ मच नाउ, नीचे 176.13, तो ये आपका 176.13 रहेगा, 143.87 ओके, ओके गाइस, सो ये हो गया। अभी आपका एल नॉट और बी नॉट, L naught is equals to B naught here, यानि B naught या फिर L naught भी बोल सकते हैं आप, length wise है तो L naught, और rectangular है करके दोनों सही भी रहेगा, that is 0.4 plus 0.44, 0.84, 0.4 plus 0.44 by 2, 0.44 by 2, यानी 0.84, और ये भी आपका, ये भी क्या रहेगा, यहां पे भी सेम 0.84 मीटर, ओके 0.84 मीटर, 0.84 मीटर, यानी ये B नॉट इज इक्वल टू L नॉट, 0.84 मीटर, 0.84 मीटर एरिया ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन के लिए। ओके, सो व्हाट इज अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड फोर्स 1, अपवर्ड फोर्स U इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। अब आप बोलोगे सर इसका भी और इसका भी, दोनों इसका निकालना पड़ेगा, नहीं कोई भी एक इसका निकालो आप, इसका और इसका कोई भी एक इसका निकालो। सो एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम इट इज इक्वल टू 176.13 प्लस 143.87 डिवाइड बाय 2 इनटू, आप बोलोगे इनटू इट इज इक्वल टू बी नॉट इनटू बी नॉट, दैट बी नॉट इनटू बी नॉट इट्स नथिंग बट 0.84 into 0.84,
ओके दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर और मीटर गेट कैंसिल, तो किलो न्यूटन में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएंगे. व्हाट इज वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू, 112.896. 0.9 सर, 112.896. किलो न्यूटन अपवर्ड फोर्स. अब आपका अल्टीमेट नेट नेट शियर फोर्स, नेट शियर फोर्स, नेट शियर फोर्स इट इज इक्वल टू वी यू, नेट शियर फोर्स इज इक्वल टू वी यू इज इक्वल टू वी यू इज इक्वल टू PU minus U. So VU is equal to, what is PU? 1000 na? Yes sir. Okay. How much? किलो न्यूटन. नेक्स्ट टाउ वी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस. एट एट सेवन पॉइंट वन जीरो फोर डिवाइड बाय बी, विच बी 2500 इंटू 10 टू पावर 3 बना यहाँ पे इंटू डी 440. आप बोलोगे ये डी लेना है, डी नॉट, पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0.84. यहाँ पे क्या लेते हैं गाइस, बी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल बी नॉट, वन मिनट, बी नॉट इंटू डी 840 है ना सर, 840 हाँ सर, एमएम मध्ये किती होतं 840, 4 इंटू 840 इंटू 440 पेरीमीटर दिख रहा ना नीचे का. हाँ सर. ओके व्हाट इज टॉपिक, 0.6. It's less than 0.11. 1.11. Okay. Shear stress taken by concrete. Tau C. Tau C is equal to KS into Tau C. KS, sorry. One minute. Tau C is equal to KS into 0.25 under root FCG. What is KS? What is KS? Kaha pe formula? Page number 59. Go to the page number 59. And what is KS? Kaha KS? One. अरे बाबा वन है लेकिन इसको फॉर्मूला क्या है, 0.5 प्लस बीटा, 0.5 प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू बी बाय डी, डी बाय बी. हाँ शॉर्टर बाय लॉन्गर,
longer by shorter or shorter by longer? Shorter by longer. Okay, short span. To the long span. That is L by B, guys. तो अभी यहां पे आपका क्या है 0.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 2.5 यानी 1. हमेशा मैक्सिमम इसमें 1 ही रहेगा. ओके, और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1. अभी आप बोलोगे कि ये कितना है 1.5, बट इट्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई वी टेकन 1. ओके, सो केएस इज इक्वल्स टू 1 नाउ. 1 इनटू 0.25 अंडर रूट ऑफ 20 टाउ सी इज इक्वल्स टू 1.11 समथिंग कुछ तो भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. सो टाउ वी इज ग्रेटर देन, सॉरी, टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी, हेंस सेफ इन टू वे शेयर. बस अभी रेनफोर्समेंट के लिए डोंट गो फॉर द क्रिटिकल डायग्राम. क्रिटिकल डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं है. ओके ओके, क्रिटिकल डायग्राम में जाने की जरूरत कब थी? बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए. नेक्स्ट, शेयर फोर्स निकालने के लिए. नेक्स्ट, शेयर फोर्स वन वे शेयर के लिए. नेक्स्ट, शेयर फोर्स टू वे शेयर के लिए. तो गाइज, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पहले से ही डिराइव करके रख देना इसमें, है ना, बार बार दिक्कत नहीं जाएंगी. और ये आपको डिस्टेंस निकालना थोड़ा लेबोरियस यानी लेंदी है, यानी थोड़ा लेंदी है और थोड़ा आपको ये लगेगा वहां पे, यानी क्या लगेगा कि नहीं ये निकालना थोड़ा क्रिटिकल जा रहा, इसलिए ये मेथड हम नहीं करते. इसीलिए मैंने ये मेथड 2014 के बाद अभी पढ़ाई, डायरेक्टली 2014, क्योंकि आरटीएमएनयू यानी नागपुर यूनिवर्सिटी, जो हमारे सर थे वर्गीस, जिनकी SA3 की बुक है, अभी मैट्रिक्स मेथड की बुक है, एंड इसकी भी बुक है, क्या कि अपने RCC की भी बुक है. सो वर्गीस सर ने हमको यही मेथड से पढ़ाया था. हम अगर मोटवानी के मेथड से, दैट मेथड जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर कुछ देर यानी कुछ क्लास पहले पढ़ाई, दैट मेथड इज इन अवर, यहाँ पे भी है रामुत्थम की मेथड, एंड वो ही सेम मेथड आप अडॉप्ट करते हैं NPTEL में. आपको दोनों मेथड देखेंगे, ये भी मेथड देखेंगे, वो भी मेथड देखेंगे. तो वो मैं मेथड से गए तो वो बोलते कि इससे नहीं जाना, मार्क नहीं मिलेंगे, जीरो मार्क्स. सो माय हाफ क्लास टेकन जीरो मार्क्स इन सेशन फॉर, अगर ये मेथड मैंने नहीं सॉल्व की थी तो मुझे जीरो मार्क्स मिलते थे. मैंने की थी, लेकिन मेरे जो दोस्त थे जो बोटवानी के पास कभी क्लास के लिए जाते थे, जिनको सर का नहीं समझता था ये पार्ट, तो उनको जीरो मार्क्स. ओके, क्यों जीरो मार्क्स थे? क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए. तो प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए है ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच से ही सॉल्व करना है. भला कि वहां से भी सॉल्व किया तो भी सही है, कोई गलत नहीं है. ओके ओके, नेक्स्ट, कैन आई रेज दिस? यस सर. ओके, स्टेप नंबर 8. Design main reinforcement. Design main reinforcement. So main reinforcement. मेन रेनफोर्समेंट यानी क्या, कैसे निकालेंगे? फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट. व्हाट इज MU? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का हिसाब हमने निकाला है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उससे ही हमने डेप्थ निकाली. व्हाट इज MU? 104.43.
खेलने उड़ा नंटो मेटर सो इक्वेटिंग एमयू इज इक्वल टू वन जीरो फोर पॉइंट फोर थ्री इनटू टेन टू द पावर सिक्स पॉइंट एट सेवन एफ आई इट इज फोर वन फाइव फाइव हंड्रेड एफ आई फोर वन फाइव और फाइव हंड्रेड गेज फोर वन फाइव फोर फोर्टी इंटू वन माइनस बी टू फाइव डबल जीरो इंटू फोर फोर्टी हाउ मच एस टी रिक्वायर्ड एक ये एएसटी रिक्वायर्ड और एक वन वे शेयर के लिए एएसटी रिक्वायर्ड ऐसी दो एएसटी रिक्वायर्ड रहेंगे दोनों एएसटी रिक्वायर्ड में से जो भी बड़ा रहेगा वो हम प्रोवाइड करेंगे एफसीके सर एफसीके 20 वन मिनट वन एट सेवन एफ आई ए एस टी डी वन माइनस ए एस टी एफ आई और एफ आई एस टी डिवाइड बाय एफ सी के बी डी एफ सी के बोल गया था हाउ मच हो गया बस लास्ट स्टेप है इसके बाद डेवलपमेंट लेंथ चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ अपन डायरेक्टली उसी में करेंगे इसमें कोई जरूरत नहीं है स्टेप फॉर डेवलपमेंट लेंथ करने की दिस इज लास्ट स्टेप ये लास्ट स्टेप है अभी 665.72 AST required. How much? 1650. Five zero. I'm sure. And third one, AST minimum. How much? यहाँ पे बड़ा डी है इसलिए लेना पड़ता बड़ा डी है छोटा डी है ग्रॉस एरिया दैट्स व्हाई बड़ा डी इसलिए ये भी निकालना पड़ेगा आपको ये एस्टिमेशन 1500 which is greater take greater one AST required is equals to 1650 mm square. So let us provide mm 5 bar at a rate mm center to center in both sides. So, मैंने क्यों दोनों लिख लिया यानी मैं पहले डिसाइड करूंगा कि मुझे 12 का डालना है 16 का डालना है बार या फिर 10 का डालना है वो मैं अभी डिसाइड करूंगा सो स्पेसिंग यहाँ पे एफ ई 415 स्पेसिंग इज इक्वल टू पाई बाय 4
इंटू फाइव स्क्वायर, दस का बार पहले डाल के देते हो, इंटू बी, बी इट इज 2500 डिवाइड बाय, दैट इज बी डिवाइड बाय ESC रिक्वायर्ड 1650. दस का डाल के देखो स्पेसिंग बताओ, यानी 5 = 10 डाल के देखो, देखो स्पेसिंग बताओ, 12 डाल के देखो स्पेसिंग बताओ, 16 डाल के देखो स्पेसिंग बताओ. अगर 10 में 100 के ऊपर आती है स्पेसिंग, प्रोवाइड 10. 12 में 100 के ऊपर आती है स्पेसिंग, प्रोवाइड 12. 16 में आती है 100 के ऊपर, तो 16 प्रोवाइड कर दो. ओके, कब जाना है? पहले 10 के लिए अगर आ गई 10, 10 प्रोवाइड करेंगे, 10 mm प्रोवाइड करेंगे. अगर 10 mm के लिए 100 से कम आ गई, गो फॉर द 12. बोलो कितने आई 10 के लिए? 110 mm, 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 110 mm,
ओके सो इट्स ओके नो इश्यूज 118 इट्स नियर अबाउट टू 110 ओके कितने एमएम के लिए 10 एमएम फाइव बार के लिए तो 10 एमएम फाइव बार 110 एमएम सेंटर टू सेंटर आपका प्रोवाइड हो गया ओके अभी आप मुझे सेम रेनफोर्समेंट किसका बताओ जो अपन ने लास्ट मेथड से सॉल्व किया उसके लिए बताओ कितना था रेनफोर्समेंट डिटलिंग इट इज सेम नो चेंज रेनफोर्समेंट डिटलिंग में कोई चेंजेस नहीं है हाँ चेंजेस कहाँ पे वहां पे मैंने सेक्शन यानी थोड़ा शिफ्ट लिया था यहाँ पे शिफ्ट नहीं है वो भी मैं निकाल के देता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है कितना था गाइस स्पेसिंग कितना था बार कितने थे प्रोवाइड बताओ स्पेसिंग 110 ही लिए थे सर 110 ही आई थी क्या ओके और ये एरिया बड़ा था हाँ हाँ 10 एमएम भी था 8 एमएम होता का 10 10 हाँ इतने 8 एमएम प्रोवाइड किया था इतने 10 एमएम प्रोवाइड आप बोलेंगे सर अभी इकोनॉमिकल कैसी है तो वो एक्चुअल में सर 10 ही लिया था क्या दोनों जगह 10 ही था 10 ही था ओके 10 ही था ना लेकिन 100 एमएम था या 10 एमएम था यानी स्पेसिंग 110 एमएम नहीं था 110 ही था सर सेम ही था सब सेम ही था ओके सो एक्चुअली सेम नहीं आता ये थोड़ा ज्यादा आता क्योंकि उसमें हम वन वे शेयर कंसिडरेशन क्या करते डायरेक्टली कंसिडरेशन डेप्थ में कर लेते तो इसलिए वहां का जो भी कंसिडरेशन है एएसटी का कंसिडरेशन अपन नहीं करते वो स्टेप अपन निग्लेक्ट कर देते एएसटी का कंसिडरेशन वाली इसीलिए वहां पे जो भी एएसटी निकलता वो एक्चुअल में कम निकलता एएसटी रिक्वायर्ड अपन ने यही यही एएसटी मिनिमम ही प्रोवाइड किया था ना अपन ने वहां पे गाइस वी आर प्रोवाइडिंग एएसटी मिनिमम ना पहले क्वेश्चन में जो अपन ने किया था वहां पे हमने एएसटी मिनिमम प्रोवाइड किया था क्या नहीं सर रिक्वायर्ड ही प्रोवाइड किया था ओके ओके नो इश्यूज ठीक है वहां पे रिक्वायर्ड ही प्रोवाइड किया था तो वहां पे रिक्वायर्ड की वैल्यू उतनी आई ठीक है तो ये दोनों लेकिन मैं मेरा ऑब्जर्वेशन ये है मैं जब भी करता दोनों मेथड से करता मैंने बहुत बार किया है कि सेम प्रॉब्लम सेम सिचुएशन का मैंने लेके इधर सॉल्व किया और मैंने अपने इसमें लिया क्या मैं एक्सेल शीट में किया तो मुझे एक्सेल शीट में थोड़ी ज्यादा वैल्यू आई इसकी यानी स्पेसिंग कम आई एएसटी प्रोवाइडेड मैंने ज्यादा की मुझे ऑब्जर्व हुआ है क्यों क्योंकि एएसटी फॉर वन वे शेयर अपन वो इसमें नहीं निकालते वो इसमें अपन नहीं निकालते तो प्रैक्टिकली अगर आपको जाना है तो दिस मेथड इज प्रैक्टिकल मेथड तो इसका अपन और एक क्वेश्चन करेंगे कल कौन सा आपका ट्रापेज़ॉइडल वाला क्वेश्चन खत्म करके ये मेथड अपन खत्म कर देंगे यानी आपके दोनों मेथड से सॉल्व हो गया है आपको जो मेथड से जाना है आप वो मेथड से जा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं ओके ट्रापेज़ॉइडल से जाना है ट्रापेज़ॉइडल से जाओ यानी सॉरी प्रेशर डायग्राम से जाना है प्रेशर डायग्राम से जाओ और आपको उससे जाना है तो उससे जाओ ओके आप दोनों इससे जा सकते हैं सो लास्ट स्टेप इट इज रेनफोर्समेंट डिटलिंग स्टेप नंबर 9 चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एंड देन रेनफोर्समेंट डिटलिंग लेकिन वो एक ही इसमें आता है
जल्दी बता दो अभी, फिर डेवलपमेंट लाइन तो आपके पास निकाल के ही है, डेवलपमेंट लाइन रिक्वायर्ड 5 σ s / 4 τ bd, फाइ कितना है 10, सिग्मा एस कितना है 0.87 fy, 4 × 1.6, 60% इंक्रीज, 1.24 m20 के लिए, बताओ हाउ मच रिक्वायर्ड? 470.12. इट इज लेस देन जो भी आपका एक्स एक्स था अभी आजू बाजू में कॉलम के बाद, वो कितना था? ठीक है छोड़ो, ये बाद में देखते हैं, इसको पहले रेइंफोर्समेंट डिटेलिंग लिख लेते हैं और बाद में मैं आपको वहां पे रेइंफोर्समेंट डिटेलिंग में ही बता देता कि एलडी अवेलेबल कितना है, ज्यादा है इसकी, हैंड सेव करके अभी यहाँ पे लिख लो, हैंड सेफ, और ये सेफ ही रहता, सेफ नहीं रहा तो भी क्या करना, वो भी मैं अभी रेइंफोर्समेंट डिटेलिंग में बताता। यहाँ पे ये नीचे तक है मेरा बना नहीं, आप बराबर उसको स्क्वायर बना दो नीचे, यहाँ पे प्रेशर डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, ओके तो यहाँ पे भी आप प्रेशर डायग्राम निकालोगे, प्रेशर डायग्राम मत बनाना यहाँ पे, जो भी बार्स देखे वो बार्स यहाँ पे निकाल लेना, स्टेटअप्स भी निकाल लेना, लिंक्स, देयर इज अ लिंक, और टाइज भी बोल सकते हैं। ये आपका 300 mm रहने को ना, कुछ भी करके बेंट अप, और आपका जो एलडी अवेलेबल रहेगा वो एलडी अवेलेबल यहां तक रहेगा, अगर गाइस एलडी अवेलेबल यानी एलडी रिक्वायर्ड अगर आपका ज्यादा है, अभी एलडी अवेलेबल यहां से यहां तक कितना रहेगा, आपका अपने बेंडिंग मोमेंट के लिए एक्स निकाला था तो वो एक्स बताओ अभी एक्स कितना है, इधर वाला एक्स निकाला था आपने बेंडिंग मोमेंट के लिए, फेस ऑफ द कॉलम से लास्ट कॉर्नर तक वो एक्स कितना था आपका, दिस डिस्टेंस गाइस, वी नीड दिस डिस्टेंस, हाउ मच प्रोजेक्शन गाइस, इक्वल प्रोजेक्शन ही आपने प्रोवाइड किया, सो ये प्रोजेक्शन यहां से आता कितना, बताते आप 1.05 मीटर, ओके 1505 मीटर यानी 1050 mm, सो उसमें से आपने ये 40 mm निकाल लिया, 50 mm ही कर दो ना यानी 1000 हो जाता, 50 mm आपने कवर कर दिया तो दैट इज एलडी अवेलेबल, इट इज इक्वल टू 1000 mm, सो इट इज इक्वल टू एलडी
अवेलेबल इट इज इक्वल टू 1000 यानी 6 ओके। और आप अभी यहां पे ए बी करके लिख सकते ए, ए क्या है आपका ये सॉरी 10 mm 5 बार एट दी रेट 110 mm सेंटर टू सेंटर ओके। सो दिस इज ए और ये भी ए, सभी ए है आपके, ए ए रेनफोर्समेंट है क्योंकि दोनों साइड सेम रेनफोर्समेंट है ओके। तो ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इस तरह आपका हो गया गाइस, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आप इस तरह निकाल सकते हैं, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल, ये कॉलम, ये फुटिंग, ये डेप्थ, डेप्थ इट इज इक्वल्स टू 500 mm small depth it is equals to 440 mm big depth। अब इसके बाद small depth big depth आप यहां पे लिख सकते 440 mm 400 mm 400 mm this is column okay। and आप cover भी लिख सकते हैं नीचे cover, ये जो कवर है इफेक्टिव कवर दैट इज 60 mm 60 mm इट इज इफेक्टिव कवर। और आप क्लियर कवर भी दे सकते साइड कवर, साइड कवर इट इज इक्वल टू 50 दैट इज साइड कवर, यहां पे लिख सकते साइड कवर इट इज इक्वल टू 50। 2 मिनट गाइस, मैं आपको मेरे एक्सेल शीट भी दिखा देता कि जो मेथड अपन ने सॉल्व किया है वही मेथड से हम एक्सेल शीट के लिए गए हैं। 1 मिनट यहाँ पे बी लिख लो आप 2500 गाइस 2500 मैंने नहीं लिखा, यहाँ से यहाँ तक विड्थ रहेंगे 2500 एंड दिस विड्थ इज इक्वल्स टू अगेन 2500 कौन से मेथड अच्छी लगी आपको सीरियसली अभी मैं पूछ रहा हूँ कौन सी मेथड अच्छी लगी। मेथड वन जो प्रीवियस ही अच्छे है सर, लेकिन ये थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। डिफिकल्ट है ना डायग्राम की वजह से पुरानी मेथड ही अच्छी है, सही बात है। तो आप पुराने मेथड से जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराने मेथड से जा सकते, पुराने मेथड से ही सॉल्व कर सकते आप। अभी हम इसके बाद फुटिंग्स के बाद दिस फुटिंग के बाद कंबाइंड फुटिंग भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं, और हम ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं स्लैब, कंटिन्यूस स्लैब। सो आपको जो स्टार्ट होना वो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, मैं दोनों भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फुटिंग के साथ फुटिंग अगर करना है तो मैं फुटिंग भी कर सकता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन 2 दिन और चलेगा क्लास, उसके बाद डायरेक्टली SA3 12 दिन।
यहाँ पे सिर्फ प्रेशर डायग्राम का एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, बाकी कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है। अगर प्रेशर डायग्राम आपको अच्छे से आ गए तो कोई ये एक ये नहीं है, दोनों मेथड से जा सकते हैं एग्जाम के लिए। बट अगर आपको डिजाइनर ही बनना है, अगर आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनर ही सामने आपका एम है, सो देन गो फॉर दिस मेथड। और आपको अगर कॉलेज में एक आधी प्रोजेक्ट आपको करना है, मैनुअल डिजाइनिंग अगर करना है, मिनी प्रोजेक्ट अगर करना है कॉलेज में, या फिर आपका फाइनल प्रोजेक्ट भी अभी करना है, फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चालू है गाइस? एनी डिस्कशन अबाउट ग्रुप, अबाउट एनीथिंग? कुछ भी नहीं सर। सब आ रहा है, बोला ही नहीं कि प्रोजेक्ट बनाओ, ये करो वो करो। अच्छा, बहुत बढ़िया लाइफ है तुम्हारी। तुम अभी अच्छे से गेट के लिए ध्यान दे सकते हैं, तुमको प्रोजेक्ट का टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, गेट के लिए बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। बस यही है कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम जो है 7 सेम की, वो फेब में नहीं रखने को ना ये लोगों ने, नहीं तो जो भी पढ़ाई करोगे वो पूरी पानी में। आधे लोग चले भी गए, इतनी गाई सी है गाइस। वन मिनट देखो, ये मेथड दिख रही है आपको, शेयर स्क्रीन दिख रही है क्या? देखो अभी शेयर स्क्रीन आ रही है, अभी आवाज डबल नहीं आ रहा ना गाइस? नहीं सर। ओके, सो ये थोड़ा मैं जूम कर लेता इसको। नहीं सर। ओके, अब देखो, अब हमारी कॉलम विड्थ यहाँ पे क्या थी? अभी 400 थी। डेप्थ भी कितना था हमारा? 400 था। पी कितना था हमारा? पी अनफैक्टरेड ओके। क्या था हमारा गाइस? 667 ना?
ट्रिपल सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन. MUX कितना था? MUX कितना था? MUZ इट इज इक्वल टू 90 ना? 100 था, 100 को 66.67 किया ना अपन ने. MU कितना था? हाँ यस सर यस. MU 100 था ना हमारा? गाइस प्लीज MU बताओ, MU कितना था? 104 ऐसे कुछ था. 50 था क्या? हाँ अल्टीमेट मोमेंट. अल्टीमेट मोमेंट तो 33.33 होगा ना वो, या 37.37 होगा. फैक्टोरॉइड नहीं होना मुझे, मुझे वर्किंग मोमेंट होना. 33.333. ओके 33.333. सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 250. 150. सो एरिया रिक्वायर्ड कितना है अपना? सोलह सौ पचास. एक मिनट. 400 mm. That is in kilonewton meter. I am sure. That is in meter square. Area required. 4.88. It is required, na? ये mm गलती से हुआ है यहाँ पे. It is a printing mistake. Meter square होना. Area required कितना है आपका? What is area required? 665.72 mm square. ओके छोड़ो, मैं ये बोल रहा था कि एरिया रिक्वायर्ड अपना कितना था. अभी एरिया रिक्वायर्ड आपका था, आपने एरिया रिक्वायर्ड किया था, सॉइल बेयरिंग प्रेशर अपना इतना था, तो एरिया अपना 4.88 मेरा अभी रिक्वायर्ड आया है मेरे एक्सेल शीट से. तो मैं यहाँ पे जो है ये रिक्वायर्ड मेरा क्या है, विड्थ है, और रिक्वायर्ड मेरा लेंथ एंड विड्थ में रिक्वायर्ड है. तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता अभी 2.5 एंड 2.5. ओके सो 2.5 मैं प्रोवाइड कर देता. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा 12 mm प्रोवाइड किया, 150 mm सेंटर टू सेंटर, तो सेफ दिखा रहा, अलाउएबल सेफ, सब सेफ दिखा रहा मुझे. अभी देखो, अभी मैं अगर 2.5 से मैं कम कर देता, अभी 1.65 था, 1.65 ही मैं कर देता, तो यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे डायरेक्टली फेल दिखा था. हेंस वन वे शेयर में अनसेफ. कहाँ पे वन वे शेयर में अनसेफ है? विड्थ वाले इसमें. ओके विड्थ वाले इसमें डायरेक्टली अनसेफ है. अब यहाँ पे भी मैं 1.65 कर देता तो एरिया प्रोवाइडेड मेरा सेफ दिखा रहा. अब यहाँ पे सेफ दिखा रहा, लेकिन मेरा बेरिंग प्रेशर जो है, फुटिंग इज नॉट सेफ अगेंस्ट मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर. यहाँ पे अगर वन वे शेयर टू वे शेयर इट मे बी सेफ बट दैट नॉट सेफ इन ग्रॉस प्रेशर. नॉट सेफ इन फुटिंग इज नॉट सेफ अगेंस्ट मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर में फेल है. ओके अब हमने लास्ट टाइम कितना प्रोवाइड किया था, विड्थ कितना प्रोवाइड किया था, विड्थ यानी जो हमने फर्स्ट वाले मेथड से किया था 2.22 ना, आई थिंक सो, या 2.25. ओके सो वी आर प्रोवाइडिंग नाउ 2.25 एंड 2.25 एंड फुटिंग डेप्थ इट इज इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ इट इज इक्वल्स टू 440. 60 mm इट इज कवर एंड 10 mm इट इज योर बार, सॉरी डाय ऑफ बार इट इज योर 10 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग it is equals to 500. Dia bar it is equals to 10. Clear cover it is equals to
60 ओके सो ये प्रोवाइड किया. अगर 2.25 भी किया तो भी मेरा चेक फॉर वन वे शेयर टू वे शेयर में, यानी वन वे शेयर में दोनों जगह मेरा शेयर्स में सेफ है, वन वे शेयर और टू वे शेयर में दोनों. इसमें 10 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर अभी आपने किया है उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मेरा यहाँ पे फुटिंग इज नॉट सेफ अगेंस्ट सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, यानी सॉइल बेरिंग जो भी आपकी कैपेसिटी है वहां पे फेल है. यानी आपने जो प्रीवियस मेथड से सॉल्व किया है वो आपका फेल है. वो आपका क्या है? फेल है. फेल क्या में है? बेरिंग कैपेसिटी में फेल है. तो अभी आप बोलोगे सर फेल डिजाइन कैसे क्या करके दिया आपने. गाइज वो भी एक मेथड है, वो मेथड से भी आप फुटिंग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको राउंड अप थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा. और आप क्या कर रहे हैं वहां पे, ये यहाँ पे सेंट्रिक यानी इसेंट्रिक नहीं लग रहा है, लोड आपका सेंटर पे है इसलिए यहाँ पे फेल है. वहां पे आपने क्या कर दिया कि आपने जो भी इसेंट्रिसिटी आ रही थी उसको ही बैलेंस कर दिया, तो वो मेथड से वो पास है, वो मेथड से वो पास है. तो इसीलिए पास है यानी वो मेथड से पास है, यानी क्या हो रहा कि वो मेथड से सेफ है, वो मेथड से अनसेफ नहीं है, वो मेथड से सेफ है. तो इकोनॉमिकल भी आएगा, ऐसे नहीं कि इकोनॉमिकल नहीं आएगा वहां से. लेकिन एज कंपेयर टू दिस प्रीवियस मेथड, अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है तो आपको सेंटर लाइन ऑफ द फुटिंग इज इक्वल टू सेंटर लाइन ऑफ दी अवर जो भी आप प्लॉट डालने वाले हो लेआउट उसका रैनिक होना, इसलिए आपको ये मेथड से जाना पड़ता. कब? जब आपको कास्टिंग करने के लिए जाना है, यानी आपको एक्चुअल प्रैक्टिसिंग के लिए जाना है, तब आपको ये मेथड से जाना पड़ता. ओके तो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी यही फॉर्मूला है, पी बाय ए एम वाई बाय जेड एम एक्स बाय जेड, यही फॉर्मूला है ना गाइस. और अभी अभी जो मेरा प्रेशर निकला है, मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर, वन मिनट, आई टेक मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर, 2.5 प्रोवाइड किया है मैंने अभी, एंड 2.5 500 में मैं ओवरऑल डेप्थ, 60 में मैं कवर. सो आपका 208 समथिंग आया ना? हो हाँ 208 समथिंग आया, वन मिनट, 165 इंटू 1.5 करो कितना था? 1 मिनट गाइस, ज्यादा जा रहा है तो, एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ है. 247.5 हाँ 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 247.5, 1 मिनट, अपन ने ये प्रोवाइड नहीं किया है. सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 17 यहाँ पे 20 150 सॉइल नेट ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी. ओके दिस ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, ये टोटल हो गई है. तो आपने ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी अपन ने वहां पे लिया नहीं था. सो दैट प्रेशर इट इज दैट एक्चुअल प्रेशर, यानी अगेन इस पे और एक एडिशनल किया है मैंने कि ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी, ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी एंड देन 66.67 दैट इज पी दैट इज एम एंड मीटर इट इज 2. हाँ वो तो ठीक है. वेट ऑफ सॉइल रिटेन अपॉन द फुटिंग 208. तो ये आपके प्रेशर से यहाँ पे कम दिखा रहा है. प्रेशर कम दिखाने के कारण ये है कि ये अनफैक्टराइड है, अनफैक्टराइड है और ग्रॉस सेफ बेरिंग कैपेसिटी से उन्होंने प्रेशर्स लिए हैं. तो प्रेशर्स मैंने यहाँ पे फिर से ज्यादा प्रोवाइड किए अगेन सेफ्टी के लिए. तो ये आपका जो लोड है यानी बैकफिलिंग का लोड भी मैंने कंसिडर किया है, जो अपन ने यहाँ पे अभी कंसिडरेशन नहीं किया है. इट्स ओके, आपने कंसिडरेशन नहीं किया तो भी चलेगा, कंसिडरेशन किया तो भी चलेगा. और टोटल डेप्थ मैंने कितनी प्रोवाइड की है? 2 मीटर प्रोवाइड किए है फ्रॉम दी ग्राउंड. अगर मैं यहाँ पे इसको 1 मीटर करता हूँ तो ये मेरा और चेंज होता, और चेंज मेरा हो गया. ओके दैट 148 इज इक्वल टू 148 into 1.5 200 ये depth के वजह से भी आपका soil pressure change हो सकता. तो that is standard, it is 0.5. तो 0.5 की हिसाब से अभी अपन ने जो भी design किया है वो design किया है, क्योंकि maximum अपन 0.5 रहता. तो इसी के हिसाब से मेरी Excel sheet ये design है. अभी आपका ये into आप 1.5 करो तो 210 निकलता, that is 208 अपना pressure निकला है, अपना maximum pressure निकला है. ओके और minimum pressure आपका कितना निकला है? 114 ये unfactorized है, into 1.5 करेंगे अपन
तो 170 ये अपना मिनिमम प्रेशर निकला है. आपका कितना निकला? 112 निकला है ना. तो यहाँ पे चेंजेस है. वन मिनट गाइस, व्हाई दिस चेंजेस इज ओवर. 33.33 and at 0. Okay, same value. No change. Keep a moment. 153. मैं तो यही ले आया ना. ठीक है, कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है गाइस. ये मैंने ये कंसिडरेशन किया है सेफ बेरिंग कैपेसिटी, इसीलिए यहाँ पे आपका जो है प्रेशर हो रहा मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू चेंज आई है. आपका PU इट इज इक्वल टू 1000 है, 1000 यहाँ पे है. MU दैट इज इक्वल टू 0, MUX इज इक्वल टू 50. And the maximum pressure is equal to maximum pressure P is equal to यहाँ पे कितना है 179 P E max and P E min is equal to 140. भला कि आपका अभी यहाँ पे कितना लिया अपन ने 108 आया आपका, यानी 208 and 112 ये आया अपना. और बाद में अपने अगर AST minimum यानी AST required, अभी यहाँ पे moment change होगा obviously, यहाँ पे moment की value change रहेगी, वहाँ पे भी moment की value change रहेगी क्योंकि यहाँ पे pressure की value change आया आपकी. ओके, तो प्रेशर की वैल्यू चेंज रहेंगे तो दोनों वैल्यू चेंज रहेगी. ओके, तो इट इज सेफ एंड देन नेक्स्ट डे इज वन वे शेयर. तो वन वे शेयर में भी अलग अलग आएंगी वैल्यू. अब टाउ वी इट इज इक्वल टू 0.25 है, अपना कितना है 0.27 है. एंड इट इज ओके क्योंकि मैंने ये कंसिडरेशन किया. अब मैं यहाँ से और बढ़ा सकता कम कर सकता. अब ये मैंने कैसी कंसिडरेशन किया है, ये मैंने मैं अगर इधर कुछ कम ज्यादा कर दू, यानी ये मैं यहाँ पे अगर कुछ कम ज्यादा कर दू, यहाँ पे अगर मैंने 100 कर दिया, वन मिनट सॉरी, हंड्रेड एमएम अगर कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 100 एमएम कर दिया, तो मैंने प्रोवाइडेड ज्यादा कर दिया फिर, तो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा. यानी टाउ सी आपका कितना है 0.23, यानी पीटी से अपना चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली पीटी से अपना चेंज होगा. इसी तरह डिजाइनिंग रखा है. ओके गाइस, तो ये टोटल डिजाइनिंग है. यहाँ पे पूरा का पूरा अभी लिखे है कि किस तरह है 1.1.1.1.803399. तो ये पूरा पूरा डिजाइनिंग इस तरह अभी यहाँ पे एक्सेल शीट बनाई गई है, एक्सेल शीट फॉर्म की गई है. समझा क्या गाइस? हेलो, ओके ठीक है, फिर अपन कल मिलते हैं.